नीट 2020 अच्छा ना जाने के बाद पेरेंट्स ने ये सोचते हुए कि बच्चे को ड्रॉप ना दिलाते हुए बीएससी में एडमिशन करा देते हैं और उसका टाइम बचाते हैं जिंदगी में, केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन करा दिया। बच्ची का बचपन से ड्रीम था कि उसे लाइफ में कुछ नहीं बस डॉक्टर बनना है और लोगों की हेल्प करनी है। बीएससी में 8:30 से 4:30 बजे तक 8 घंटा क्लासेस के बाद भी उसने खाली टाइम में पेरेंट्स को बिना बताए स्टार्ट की नीट 2021 की प्रिपरेशन। आज 636 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही है नीट 2021 में। जब मैं बोलता हूं आप सबसे कि 100 एक्सक्यूजेस होंगे और एक रीजन होगा आपकी मेहनत करने के लिए, तो मैं ऐसी दास्तान की बात करता हूं। बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इसने ऐसा क्या किया। केवल इस वीडियो को देखना मत, इसको आपको आपकी जिंदगी में उतार लेना है। अगर आपका नीट इस बार अच्छा नहीं गया तभी फायदा होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। मेरा मेघा है, मैंने नीट 2021 दिया है जिसमें मेरे अराउंड 630 प्लस आ रहे हैं, विद 140 इन फिजिक्स, अराउंड 150 इन केमिस्ट्री एंड 345 इन बायोलॉजी। मैंने नीट 2020 भी दिया था एंड आई वॉज अ ड्रॉपर दिस टाइम, बट साथ में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था, तो आई हैड कॉलेज टू मैनेज एंड आई हैड नीट प्रिपरेशन साथ में। तो ऐसे कुछ फेजेस आए जिसमें मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ साथ में मैनेज नहीं हो पा रहा। जब मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर 1 मार्क्स पे आके सर्टन रेंज में आके अटक जा रहे थे, और भी बहुत सिचुएशंस होती है जिसमें डीमोटिवेटेड फील करते हैं हम। तो अमन भैया की हर एक वीडियो वर फिल्ड विद सो मच ऑफ एनर्जी कि सामने वाला जो देखते उसके अंदर भी एक वो आ जाते हैं कि भैया इतना मोटिवेट करे, इतना हमारे लिए इतना चाह रहे हैं कि हम अच्छा करें, तो हम भी बैठ के पढ़ लेते हैं, हम भी बैठ के थोड़ी सी और एफर्ट डाल लेते हैं। एंड दिस प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल। इनफैक्ट अमन भैया एंड पूरी उड़ान टीम ने मेरे जर्नी में काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। मुझे याद है कि अमन भैया ने एक वीडियो में बोला था कि उन्होंने अपनी बायो की एनसीईआरटीज़ को, दोनों एनसीईआरटीज़ को अराउंड 33-34 टाइम्स पूरी पढ़ी थी। तो मुझे सच में देख के लगा था कि अगर भैया 33-34 टाइम्स पढ़ सकते हैं तो मैं एटलीस्ट 20 टाइम्स तो पढ़ ही सकती हूँ। मैं नीट चैलेंजर बैच की स्टूडेंट थी एंड इसके साथ मैंने जो क्रैश कोर्स के वीडियोस थे उड़ान के, मैंने वो देखे थे यूट्यूब पे, सक्षम बैच वाले, एंड दे वर रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। दे हेल्प्ड मी स्ट्रेंथन माई कंसेप्ट्स, रिवाइज एवरीथिंग इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि स्पेशली लास्ट के कुछ महीनों में जाके और ये नहीं होता कि मैं हर बुक खोल खोल के स्पेशली फिजिक्स में मैं पढ़ूँ। तो उसके लिए यू नीड अ प्लेस जहाँ पे आपको शॉर्ट में बहुत अच्छा मटेरियल मिले, आपका सब कवर भी हो जाए पर आपको उतना ज़्यादा टाइम भी ना लगे। फिर चैलेंजर बैच की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जैसे रिविजन वीडियोज़ भी थे मेडिफ्लिक्स करके, फिर उसमें जो सबसे मुझे लगा कि सेक्शन बी जब इंट्रोड्यूस हुआ तब ऐसा लगा कि अच्छा, मतलब अब 15 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 10 करने हैं, कौन से करूँ कौन से नहीं करूँ। तो जैसे और ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट, तो जैसे चैलेंजर मैच में एक था फीचर कि आप सेक्शन बी के क्वेश्चंस टाइम मैनेज में कर सकते हो, एक एक चैप्टर के कर सकते हो। तो कभी कभी होता है कि मतलब आपको पूरे मतलब फुल लेंथ टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं लग रही, आपको पार्ट टेस्ट में भी जो इतने सारे चैप्टर दे रखे हैं आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इतने नहीं देने, मुझे एक बार में एक चैप्टर देना है। फॉर एग्जांपल मेरा वेव्स थोड़ा वीक था तो मुझे वेव्स देना है, अपने आप को टेस्ट करना है, तो मैं कहाँ से करूँ। चैप्टर वाइज सेक्शन ए अलग, सेक्शन बी अलग के क्वेश्चन ऐसे टाइम मैनर में, दे आर रियली हेल्पफुल। तो मैं सभी को यही बोलूँगी कि आप ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे आपके पेपर में आने वाला है। एज अ ड्रॉपर आई कैन से कि नीट 2020 में मैंने गलती की थी, मैंने अपना डिसिप्लिन नहीं मेंटेन किया था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी ढंग से, मैं टेस्ट देने से घबराती थी इसलिए नहीं देती थी, इसलिए मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रह पाया। पर 2021 में अब सिंस मैं बीएससी भी साथ में एडमिशन ले रखा था, तो मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बस मेरे पेरेंट्स को पता था और बहुत ही कम फ्रेंड्स को पता था। तो उसमें मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी पुश किया ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने के लिए। फिर मुझे अभी भी याद है कि अमन भैया ने एक वीडियो में बोला था कि ऐसे पीछे मत हटो खुद को टेस्ट करने से, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए आप कहाँ हो।
इनफैक्ट जो 1 अगस्त में उन्होंने मॉक टेस्ट लिया फॉर एवरी वन ऑन हिज टेलीग्राम चैनल, दैट वॉज लिटरली अ रियलिटी चेक कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो. आपका पेपर 1 अगस्त को होता तो आपकी कितने मार्क्स आते, एंड उस हिसाब से आइडिया लगा लो कि आपको अभी और कितना एफर्ट डालना है. तो सच में दीज थिंग्स प्लेड अ वेरी बिग रोल. एंड उसके साथ आई वुड से द टेस्ट सीरीज, द एंटायर टेस्ट सीरीज, द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, द मोटिवेशनल वीडियोज, ऑल ऑफ दीज वेर सो सो हेल्पफुल. एंड उसके साथ आई मीन हर टीचर ने इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, सीरियसली इतनी ज़्यादा एनालिसिस भी की हर एक ट्रेंड के कि कैसे कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में इतने मार्क्स पे इतनी रैंक गई है. तो उससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि मुझे इतना एफर्ट डालना है अभी भी. तो एंड खुद ही एनालिसिस करने बैठो तो एक तो बहुत टाइम टेकिंग है, सेकेंडली आप सही भी कर सकते हो, कहीं कहीं पर आप गलत भी जा सकते हो. तो सामने मतलब उड़ान हैज़ बीन नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वेरी गुड स्टडी मटेरियल एंड मोटिवेशन, बट ऑल्सो आई वुड से माई सोर्स ऑफ वेरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. मतलब अभी भी मैं जैसे वीडियोज सर्च कर रही हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी कौन से स्टेट में, मतलब ये आइडिया लगाने के लिए कि मैं कितना कौन सा कॉलेज मिल सकता है. तो मैंने आज देखा कि प्रवीण सर लाइव हैं यूट्यूब पे, वो करके बता रहे एनालिसिस, एंड सीरियसली आई एम सो थैंकफुल फॉर एवरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. फिर जैसे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हमारे बने थे फॉर डाउट क्लियरिंग एंड ऑल, उसमें भी स्पेशली ऐसा किया था, मुझे याद है 1 अगस्त को जो टेस्ट हुआ था उसमें जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग भी बना था, एंड जूम मीटिंग में पहले बुला के हमें थोड़ा मोटिवेट किया गया था कि आप और थोड़ा एफर्ट दो, अच्छा कर रहे हो. लास्टली आई वुड से दैट आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरे पेरेंट्स ने तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया ही, साथ में सिंस आई डू नॉट हैव एनी सिबलिंग, अमन भैया ने लिटरली एक बड़े भाई की तरह गाइड किया. एक तो वीडियोज़ में उन्होंने कभी कभी मोटिवेट किया, कभी रियलिटी चेक करवाई, उन्होंने डांटा भी कि देखो नहीं हो रहा तो ये करो, तुम्हें करने की ज़रूरत है. तो आई वुड से दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. जैसे बहुत वीडियोज़ में वो आके आपको ऐसे बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप अभी 300 पे भी हो तो आप लास्ट के 15 दिन में आप 700 पहुंच जाओगे, इस पे पहुंच जाओगे, उसमें. दोज आर ऑल वेरी फेक. आई वुड से जो ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट रिव्यूज़, रियलिटी चेक सब अमन भैया ने करवाया, एंड ही डिड इट रियली लाइक अ बिग ब्रदर, गाइडेड एट एवरी स्टेप, हेल्प्ड एट एवरी स्टेप. तो अ वेरी बिग थैंक यू टू अमन भैया एंड द एंटायर उड़ान टीम. थैंक यू सो मच. अगर आप भी नीट 2022 में 630 650 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो नीचे रैंकर्स प्राइम बैच जो कि नीट उड़ान का है उसका लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन करो. केवल 2,999 रुपीस में पूरे साल में आपकी नीट की पूरी प्रिपरेशन करा दी जाएगी हमारे साथ.